मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे, इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोर्ट कर दीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। मालूम फेल हो गया तो बताओ। लेकिन मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, मैं विधानसभा में बताने वाला था, मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी के पीएसओ के लिए अभी किरोड़ी जी ने बोला कि वो पास हो गया, पेपर लीक हो गया, 150 में से 29 नंबर आए। शर्म आनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप किसी के ऊपर मन मर्जी है जैसे आरोप लगा दो, अगर हिम्मत है तो तथ्य सत लाइए। मैं आप में से और बीजेपी के तमाम नेता जो अपने आप को तुरपखा समझते हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप जांच कीजिए, अगर रीट के इस पेपर के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा का कोई रिश्तेदार या उसका परिवार अगर शामिल मिल जाए, तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन तुम पूरे काले हो कोयले की तरह, तुम हम पारी सफेदी में क्या दाग लगाओगे? इनकी औकात नहीं।